हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज हम बात करने वाला हूँ केसीआर और सीएलई बेसबॉल मैच के बारे में जो एमएलबी लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए टीटी प्लेइंग 11 बेसबॉल एक्सपर्ट। दोस्तों, मैंने आगे ऐड किया है तो बेसबॉल एक्सपर्ट कर दीजिए दोस्तों, आप हमारा चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको विजन 11 को डाउनलोड करना है। जो विजन 11 है दोस्तों, इसके आपको प्रॉफिट बताता हूँ। एक तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, आपके जीतने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 300 का वैलिड बैलेंस भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों, आप विजन 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें कुछ स्टैट्स के बारे में। तो ये मैच मंडे को होने वाला है, 11 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो टाइम रहेगा दोस्तों वो रहेगा रात को 11:40 पर। इसका जो वेन्यू है दोस्तों कोहमैन स्टेडियम रहने वाला है। वेदर के बारे में बात करूं तो बारिश का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। दोस्तों, दोनों टीमों का अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है, यानी कि जो प्रॉपर स्टैट्स है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो पुराने प्लेयर है उसके स्टैट्स हमारे पास, लेकिन जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके जो प्रॉपर स्टैट्स है दोस्तों हमारे पास नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों, या तो आप इस मैच को स्किप कर दें या फिर आप लेस इन्वेस्टमेंट करके चलिएगा। आप फैंटेसी टिप्स देख लीजिए दोस्तों। इन कैचिंग बोथ आर गुड, हावर सैलेडर प्रेज इज द बेटर, उसको ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। अगर कैचर प्रेज प्ले कर रहे हैं तो प्रेज को ही पिक करके चलना है। डैनियल और दोस्तों आरोन, ये दोस्तों आपको पिचिंग करते दिखने वाले हैं। और दोस्तों, जो आरोन सी वाले रहेंगे वो सबसे बेस्ट जो रहेंगे पिचर के लिए, तो आपको ट्राई करना, आप उनको ही पिक करके चल रहे हो। दोस्तों, जो कैनगास जो KCR है वो ज़्यादा अच्छे से टीम होने वाली है, तो आपको ट्राई करना है जो KCR है उससे हम ज़्यादा प्लेयर उठा कर चले, जिससे हमारे जीतने के चांस बढ़ेंगे। समोलिक चॉइस देख लीजिए दोस्तों, निकी लैपेज, हंटर, बॉबी और दोस्तों एंडर सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली है। और दोस्तों, ये समोलिक चॉइस थी दोनों टीमों से। और बात करूँ ग्रैंडलिक चॉइस के बारे में, तो माइकल टेलर, कार्लोस संताना, ब्रैडली जिमर और दोस्तों यू चेंग सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली है। दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है ड्रीम टीम के लिए, क्योंकि जो ड्रीम टीम है वो आपको वीडियो के एंड में मिलने वाली है। तो दोस्तों, दोनों टीमों से कुछ की प्लेयर्स देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केसीआर के की प्लेयर्स के बारे में। दोस्तों, बेन टैंडी सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। दोस्तों, निकी लोपेज एक काफ़ी बड़ी चॉइस होने, निकी लोपेज को कन्फर्म पिक करना है। विट मैरीफील्ड दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी। कार्लोस संताना दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी। दोस्तों, परेज एक काफ़ी बड़ी चॉइस होने वाली है। CLE के बारे में बात करूँ दोस्तों, CL के कुछ की प्लेयर्स के बारे में, तो ब्रैडली जिमर एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। दोस्तों, रेज एक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। स्ट्राइक काफ़ी बड़ा चॉइस रहेगी। दोस्तों, रैमिरेज़ एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी। और आरोन सियाली भी एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस होने वाली है। दोस्तों, दोनों टीमों से 10 प्लेयर हैं, तो आप किसी एक को ड्रॉप करिए। दोस्तों, आप ड्रॉप कर दीजिए संताना को और दोस्तों आप इस मैच में आप ग्रैंड लीग की टीम बना लीजिए यहीं से। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस देख लीजिए। तो दोस्तों, KCR के जो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों, मैरीफील्ड और संताना सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है। और CLE के बारे में बात करूँ तो मैरलिस्ट्रा दोस्तों, जोस रैमिरेज और आरोन सिवाले सबसे बेस्ट बेस्ट चॉइस होने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों, दोनों टीमों के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बता सकूँ। अब मैं बात करूँ दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में, तो दोनों टीमों के जो स्क्वाड है वो आपके सामने दोस्तों, आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। तो आप दोस्तों इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोबेबल प्लेइंग 9 आपके सामने है। मैं बात करूँ सबसे पहले KCR के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों, बैट एंड एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस होने वाले, कन्फर्म पिक करके चलिए। माइकल टेलर एक एवरेज चॉइस दोस्तों, इस वाले एक रिस्की चॉइस रहेगी। हंटर डोजियर दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी। निकी लोपेज एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। व्हाइट मैरीफील्ड दोस्तों एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। कार्लोस संताना एक एवरेज चॉइस रहेगी। डैनियल लिंच दोस्तों एक बस मतलब काफ़ी अच्छा चॉइस है, लेकिन हमारे पास दोस्तों एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी आरोन की, जिसे हम पिक करके चलने वाले। और दोस्तों, परेज एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस होने वाली है। और दोस्तों, CL के प्रोबेबल प्लेइंग 9 को देख लीजिए। दोस्तों, ब्रैडली जिमर एक काफ़ी बड़ी चॉइस, आपको पता है, कन्फर्म पिक करके चलेंगे। फ्रैमिल रेज ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। स्ट्रा दोस्तों काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। ब्रैडली भी एक दोस्तों मतलब एक एवरेज चॉइस रहेगी। रैमिरेज काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। यू चेंग दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी। दोस्तों, एंडर्स गिमनेज एक रिस्की चॉइस रहेगी। आरोन सिवाले एक काफ़ी बेहतरीन चॉइस रहेगी। और ऑस्टिन दोस्तों पिक करके नहीं चल सकते, क्योंकि मेरे पास परेज जैसा काफ़ी बड़ा ऑप्शन होने वाला है। अब मैं बात करूँगा इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम के कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करके चलना है। हम स्टार्ट करेंगे
और फील्डर सेक्शन से। तो दोस्तों बैन टेंडी एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी दोस्तों, काफ़ी बड़ी चॉइस कन्फर्म पिक करके चलेंगे। मैं आपको बता दूँ जो क्रेडिट इशू है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो इसको भी मैनेज करने के लिए दोस्तों कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों स्ट्राइक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, कन्फर्म पिक करके चलेंगे। जिमर भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा चॉइस होने वाली, आप इनको भी पिक करके चल सकते हैं। और बात इन फील्डर सेक्शन के बारे में, रासोरिया दोस्तों एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी दोस्तों। फिलहाल मैंने अपने ड्रॉप किया रेमिरेज को और मैरीफील्ड को, जो काफ़ी बड़ी बड़ी चॉइस रहेगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जो क्रेडिट इश्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसको कुछ ना कुछ करके मैनेज तो करना ही पड़ेगा। रासोरिया दोस्तों एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। गारशिया एक मतलब काफ़ी बड़ी चॉइस दोस्तों। निकी लोपेज भी एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहने वाले हैं दोस्तों। फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में वो इस कैप्टन चूज करके चल रहा हूँ जो सबसे बेस्ट बेस्ट चॉइस रहने वाली है। और दोस्तों सबसे मेन मुद्दे के बारे में बताऊँ पिचर के बारे में, तो दोस्तों पिचर दोस्तों रोचियो को फिलहाल मैंने पिक किया। ये भी दोस्तों एक इतनी बड़ी चॉइस रही जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, काफ़ी बड़ी चॉइस रही दोस्तों। मुझे नहीं पता कि इनके जो क्रेडिट है वो काफ़ी कम है, लेकिन चॉइस काफ़ी बड़ी रहेगी। पिचर के बारे में दोस्तों पिचर मैं अरुण शिवालय को पिक करके चल रहा हूँ जिसके बारे में बात कर चुके, सबसे बेस्ट बेस्ट चॉइस होने वाली है। तो मेरा मानना है कि इनको ही मैं अपने टीम में कैप्टन चूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता सकूँ दोस्तों हर मैच में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पिचर आपको इतने पॉइंट देके जा सकता है जितने आप अपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों अरुण शिवालय एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। और कैचर के बारे में दोस्तों तो परेज को पिक करके चल रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकूँ दोस्तों परेज भी एक काफ़ी बड़ी चॉइस होने वाली है। तो आपको ट्राई करना दोस्तों आप इनको ही अपनी टीम में एज अ कैचर और दोस्तों पिचर हो सके तो अरुण शिवालय को ही पिक करके चल रहे। बाकी आप टीम में कोई भी चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बाकी एक दो ऐसे रहेंगे जिन्हें ड्रॉप नहीं करना दोस्तों, रेमिरेज को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, बैडेंटी को ड्रॉप नहीं कर सकते दोस्तों। ये दो प्लेयर तो ऐसे रहेंगे जिन्हें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकूँ फिलहाल सिर्फ मैंने क्रेडिट को मैनेज करने के लिए पिक किया है। आप टीम का प्रयोग कर लीजिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उस टीम में तीन आउटफील्डर, चार इनफील्डर, एक पिचर, एक कैचर को चूज किया है। जो मेरी कैप्टन जो है वो अरुण शिवालय है, और जो मेरी वॉइस कैप्टन जो है वो निकिल लोपेज है। मेरे जो कैप्टन और वॉइस कैप्टन मैंने बिल्कुल सेफ चूज किया। बाकी वॉइस कैप्टन में दोस्तों परेज को भी पिक करके चल सकता हूँ, ये भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको पता है इस टीम में जो भी चेंज अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएगा, आप सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों तब तक मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।